जदों खबर जी आ तेरा नाम, खबर जी आ तेरा नाम, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया, हाय हाय वे जदों खबर जी आ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई सिनेमैटिक शॉट्स आपने देख ही लिए होंगे और अपनी गाड़ी के कैसे लग रहे हैं बताना जरूर कमेंट करके। एक बार बहुत मेहनत लगती है भाई सिनेमैटिक शॉट्स लेने में, वीडियो बनाने से ज़्यादा। तो भाई बिसाइड दिस, तो अब हम बात करते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। अब हम आपको ना आपको इसकी अपडेट देता रहूँगा भाई, जैसे जैसे अपने एंडेवर में चेंज होते रहेंगे। ये आपने मतलब पहले भी वीडियो देख रखी होंगी इसकी, मैंने पहले भी इसका ऑनरशिप वगैरह हर चीज़ मैंने डाली हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना जाके। तो अब जो मेरा मेन टॉपिक है वीडियो बनाने का, वो है भाई इसका इंटीरियर हमने चेंज कराया है, वो इंटीरियर आपको दिखाऊंगा जब। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बाहर की ओवरव्यू दे देता हूँ कि बाहर से आप पहले कमेंट करके मुझे ये बता देना भाई, हमारी जो माफिया एंड माफिया तो बहुत छोटा बड़ा गैंगस्टर इंडीवर है, वो अपनी लक कैसी रही है भाई, लोग देखना भाई एक बार, ओए होए 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 वाह। तो भाई ये है अपनी इंडीवर, आप बता देना मैं वीडियो कमेंट करके कैसी लग रही है। बाकी अगर आपको उसके कोई मेरा भाई नया है तो उसके लिए मैं दोबारा बताना चाहूँगा भाई, ये है अपनी 2014 मॉडल इंडीवर, जो अब फोर्ड कंपनी भी चली गई, गाड़ी भी बंद हो गई है, कुछ वो नहीं है, बट फिर भी ये हमने कराई हुई है भाई मॉडिफाई, पूरी रैप कराई हुई है। आपको ओरिजिनल कलर दिखा देता हूँ एक बार, इसका ओरिजिनल बाद में दिखाऊंगा, ओरिजिनल दिखाते ही यार आपको इंटीरियर पता चल जाएगा, वो नहीं, ओरिजिनल जो कलर है इसका वो है वाइट। अब ये हमने ये गन मेटल ग्रे कलर है, देखो यहाँ से देख लो भाई, ये रहा वाइट, गन मेटल ग्रे बोलते हैं इस कलर को, तो गन मेटल ग्रे कलर है भाई ये जो रैप कराई हुई है। बाकी पीछे से गोल्डन नंबर प्लेट है, बाकी देखो ये अपनी जो वो आती थी ना लॉय आता था जो कंपनी के साथ, वो वाला इसका लॉय है, और कुछ इस तरह की पूरी ब्लैक जेट कराई हुई है भाई, हम रिकमेंड नहीं करते किसी को भी कभी भाई ब्लैक जेट करा के घूमो। अब मेन बात आती है इस पर अलॉयज की, अलॉयज जो इस गाड़ी का चार चांद लगाते हैं भाई, ये है इसके अलॉयज जो लगवाए हुए हैं भाई R22, देखो ये रे इधर ही ZR R22, 22 इंची के हमारे टायर हैं। अब हम चलते हैं अपने इसके अंदर, अंदर वीडियो देखो इसकी, आपको इंटीरियर दिखा देते हैं भाई हम इसका, ये रहा भाई अपनी फोर्ड एंडेवर का इंटीरियर है भाई, वो पूरा चेंज हो चुका है भाई। तो भाई ये है अपना फोर्ड जो एंडेवर है उसका इंटीरियर जो अभी हमने अपग्रेड कराया है, ये कुछ ऑरेंज कलर में वो है हमारा, पता नहीं कलर का नाम तो खैर पता नहीं क्या है, वो याद नहीं आ रहा क्या बताया था उसने जो उसने चलाए थे। बाकी पूरी हमने पहले वाइट था ये, और पीछे हम इस चीज़ की बात करें तो वूफर वगैरह रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं अभी ना, इसमें काम और होना बाकी है, वो अपना जो मून रूफ वगैरह था मून रूफ लगवाएंगे इसमें जैसी भी है। देखो बाकी इंटीरियर देखो भाई, ये कुछ इस तरह का कलर करवा दिया है इसमें इंटीरियर में, ये जो चमक इसलिए रहा है इसमें ना कुछ यार पेंट वगैरह टाइप किया था उसमें, इसलिए इसमें साइन मारी, देखो धूप में देखते हैं ना तो इसमें साइन सी आती है। और इधर से ये हमने ब्लैक जेड है, ये हमने पूरा वो जो टिंट होते हैं ना वो क्या होते हैं जो ग्रीन कलर का समथिंग कुछ होता है कुछ ऐसा करवाया। देखो बाकी बाहर से इस तरह की लुक दिखती है इसकी, देखो
अभी धूप की वजह से ना इसमें अच्छा खासा कुछ दिख नहीं रहा। और बाकी आगे से दिखाते हैं आपको एक बार इसका इंटीरियर। ये कुछ इसका इंटीरियर है भाई। अब म्यूजिक सिस्टम भी इसमें अपग्रेड कराया था, पहले वो जो फोर्स आता था ना स्टॉक वही था, वही चलता आ रहा था। और इसमें हमने लगवा दिया टच स्क्रीन सिस्टम। कॉस्टिंग वगैरह की बात करो तो कॉस्टिंग आपको सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ब्रीफ से लिख दूंगा मैं, ऐसे तो वीडियो में पता नहीं, बिल वगैरह सब चीज़ देख के वो देख लेना आप। बाकी पूरा ये अंदर से पूरा जब मतलब कलर ना हट गया था इसका, वो पूरा ब्लैक करा दिया है। एम्बियंट लाइटनिंग वगैरह वो रात में आपको लुक इसकी दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा एक अलग से। रात में एम्बियंट लाइट वगैरह जो भी चीज़ है ये अपना जो वो होता है हैंड रेस्ट करने के लिए, सब चीज़ ब्लैक करा दिया देखो। और अब मेन बात आती है इसकी फ्रंट की लुक की भाई, फ्रंट के लुक देखना अब इसकी गाड़ी की ना देखो। तो भाई ये कुछ इस तरह की लुक दिख रही है अपनी फ्रंट से देखो भाई। यार मुझे कमेंट करके भाई, अगर जिसने नहीं बताया भाई मैं ऐसा कंटेंट लाना बंद कर दूंगा। देखो साफ सीधी बात है, बहुत मेहनत लगती है गाड़ी आपके लिए, सब चीज़ चेंज करा रहे हैं, मॉडिफाई करा रहे हैं। जब आपको मॉडिफाई गाड़ियाँ पसंद है तो मॉडिफाई का कंटेंट भी धीरे धीरे आ रहा है, ओनरशिप रिव्यू तो आपको पता है सब आती है। बाकी पीछे से ब्लैक जेड है। और अगर मैं इसके रैप की बात करूँ तो वो कराई है भाई रैपोलिक्स से, अपने यहीं पर ही है रैपोलिक्स, यहाँ से हमने रैपोलिक्स से रैप कराई है। कॉस्टिंग वगैरह वो 65-70 हज़ार के लगभग बीच में पड़ा था जो भी चीज़ है। अलॉयज का वो बताऊँ तो ये 2.5 लाख रुपये के अलॉय पड़े हैं, 2,40,000 कुछ के, मतलब वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपये के पड़े हैं। बाकी पाँच वाला वो देते नहीं है यार, पता नहीं क्या सिस्टम है, वो मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बाकी और चीज़ तो यार ऐसा कुछ अभी वो इसमें कराया नहीं है। देखो जो भी चीज़ है वो सब चीज़ अभी मैंने आपको अप टू डेट कर चुका हूँ मैं। बाकी पवार ब्रदर्स के चैनल पे भी आपने शायद देख ही लियो, मीर गलत जो वो चैनल है भाई मास्टर बटर के नाम से, वो भाई भी आए थे इसकी वीडियो बनाने के लिए। तो अभी और देखो अभी और एक दो यूट्यूबर्स को बुलाता हूँ, गाड़ी पूरी फेमस कर दी ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा छोटा चैनल है यार, अभी क्या अब प्यार नहीं दिखा रहे तो भाई क्या कर सकते हैं इसमें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अपने मतलब व्यूअर्स को अपडेट करना कि एंडियोर में हमारा मतलब ये वो चीज़ हो चुकी है, कवर वगैरह सीट कवर वगैरह जो भी इंटीरियर का पहला इंटीरियर आपको पता ही होगी कैसा था, वो फोटो वगैरह मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, वो आपको यहाँ दिख रही होगी। इस तरह का इंटीरियर था, बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह से हर चीज़ से अपग्रेड करा दिए। तो बस वीडियो बताना आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी लगी होगी। अपनी एंडियोर जो वर्ड है ना गैंगस्टर, गाड़ी को डिनोट करता है कि नहीं करता, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो वीडियो देखने में धन्यवाद, थैंक यू सो मच।